लोक सेवा आयोग दफ्तर को घेरने की भी कोशिश की गई है। सीजीपीएससी दफ्तर पर बीजेपी का झंडा जो है वो लहराया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। देखिए तस्वीरें यहाँ पर, जो युवा मोर्चा है उसका आक्रोश देखा गया है। यहाँ पर जमकर घेराव करने की कार्यालय की कोशिश भी की गई, हालांकि मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया। हालांकि यहाँ पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमा झटकी भी देखने को मिली है, लेकिन कार्यालय के बाहर बीजेपी का झंडा भी लहराया गया है। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे और उसके बाद आक्रोश जो है वो देखा गया। देखिए तस्वीरें, जमकर नारेबाजी यहाँ पर की गई है। लोक सेवा आयोग दफ्तर को घेरने की भी कोशिश यहाँ पर की गई है। तस्वीर आपको दिखाते हैं कि आप देखिए कि पुलिस नाकाम रही है इनको रोकने में, और जितने भी बैरिकेड्स लगाए गए थे उसे तोड़कर यहाँ पहुंच गए। अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, क्या वजह है कि पूरा बैरिकेड तोड़कर आप यहाँ घुस गए? ये जो पीएससी की परीक्षा हुआ है इसमें भूपेश बघेल और टामन सोनवानी के साठ गांठ में भ्रष्टाचार हुआ है। नेताओं अधिकारियों के बच्चों को पिछले दरवाजे से नियुक्तियां दी गई है। हम इसका विरोध करते हैं और इस परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हैं, और न्यायिक जांच होना चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। जो लोग प्री में फेल हुए हैं ऐसे लोगों को भी नियुक्ति हुई है। इस प्रकार से घोटाला छत्तीसगढ़ का युवा नहीं सहेगा और हम युवाओं की आवाज उठाने आए हैं। राज्यपाल से भी, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया था, सीबीआई को दिया गया था, कोई कार्रवाई हुई है क्या? बिल्कुल, अभी राज्यपाल जी को भी ज्ञापन दिया गया है और सीबीआई की जांच की भी मांग की जा रही है। जब तक कार्रवाई नहीं होगी युवा मोर्चा आंदोलन करता रहेगा। आगे का चेतावनी दी गई है, ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अब देखना यही होगा कि इस आंदोलन के बाद आगे क्या कुछ सुनवाई होती है। कैमरामैन टीकेश्वर के साथ सत्यराज पूर्ण रायपुर।